टीवी के एक्टर हैं और ये ओटीटी नहीं कर सकते, फिल्म नहीं कर सकते, अरे तुम वो कौन बोलने वाले यार? Who the hell are you? I'm sorry to say. आपका आप कौन है जज करने वाले? Well, I'm Sharad Malhotra and please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. ये दोनों यात्री है टेलीविजन इंडस्ट्री के, पर आज रात बात घूम रहे, क्या कर रहे हैं रात को? डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल वी कुमार के लिए तालियां प्लीज. एंड ऑफ कोर्स मेरा भाई शरद मल्होत्रा. क्या तुमने कभी रेड लाइट एरिया विजिट किया? मैं अभी वो कहने ही वाला था कि जब मैं बॉम्बे आया था शुरू में तो कमाटीपुरा बोल के एक जगह है जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी कि एक जगह है ऐसी. तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है भाई. मैं पहली बार तो मैं कलकत्ते से हूँ तो वहाँ पे भी एक रेड लाइट एरिया है सुनागाची. बहुत बहुत पॉपुलर है, सब जानते हैं फॉर रीजंस. लेकिन यहाँ पे आके जब मैं पहली बार गया, मैं दिन में गया था, हम लोग 3-4 लड़के थे. फिर उस एक्साइटमेंट के साथ कि क्या होगा वहाँ पे, गलियाँ कैसे होंगी, लोग कैसे होंगे. बट लेट मी टेल यू सिद्धार्थ कि जब फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ पे सिद्ध, दिन में वहाँ पे नॉर्मल बाजार जैसा होता है, मार्केट, एक मंडी लगती है और खिड़कियाँ बंद होती हैं. रात को वो सब खिड़कियाँ खुल जाती हैं और पूरा पूरी जगह जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो मैंने कहा यार दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. और उसके बाद देन आई वॉज लकी इनफ टू मीट अ फ्यू पीपल. और मैं क्या कहूँ, मतलब लिटरली आंखें नम हो गई जब मुझे पता लगा कि एक देयर वाज अ बेबी हु वाज बॉर्न द प्रीवियस नाइट. और वो उसी मतलब किसी वन ऑफ द रूम्स में यू नो उसको लोग लेकर आए. और फिर मुझे किसी ने वहाँ पे कहा कि उसकी जर्नी अब कल से स्टार्ट हो गई है, अब उसी दुनिया में रहेगी. पढ़ाई लिखाई तो कराएंगे जो भी है, बट शी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. और मैं एक सेक्स वर्कर से मिला, शी आई थिंक शी वाज 62 और 63 इयर्स ओल्ड. तो यू अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब इतने ज़्यादा हिट हुआ ना कि हम जिस एक्साइटमेंट से गए थे, वाओ कमाटीपुरा देखेंगे क्या होगा, जो हमने गंगूबाई भी काफ़ी फिल्मों में देखा है, बिकॉज आई थिंक सिनेमा हैज़ शोन दैट साइड ऑफ इट. पर मेरा ये कहना, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं टीवी इंडस्ट्री में इस वक्त. कुछ लोग कहते हैं उनके ड्यूज नहीं पे हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया फॉलोइंग जबरदस्त हो तभी आपको एक्टिंग के ऑफर्स मिलेंगे. बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं जो 90s 2000 में बड़े सुपरस्टार्स थे टेलीविजन, कह रहे हैं यार मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, घंटा मुझे फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया में क्या फॉलोइंग है, मैं अच्छा एक्ट्रेस हूँ या अच्छी एक्ट्रेस हूँ, पर हमको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि नए बच्चे उठा रहे काम ऑन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया. शरद और अनिल जी, कैंडिड रिप्लाई आपसे क्या है? कुछ हद तक सही है और कोई भी कुछ हद तक इसलिए सही है क्योंकि ये सब चीज़ें आज की ज़रूरत हो गई है लोगों के लिए, बट सब जगह ये अभी भी नहीं है. What do you have to say, Sharad? Absolutely, मैं कहता हूँ कि अभी का जो टाइम है, जो फेज़ है सोशल मीडिया का, बट सौ बात की एक बात, एक्टर एक्टर होता है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होता है. इफ़ यू आर कास्टिंग अ पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, यू आर कास्टिंग एन एक्टर. इफ़ यू आर कास्टिंग एन इन्फ्लुएंसर, यू आर कास्टिंग एन इन्फ्लुएंसर. मेरे 2 million followers हैं या 4 million या 6 million, that should be irrespective. I agree with you completely. जिसका जो forte है, उसका होना चाहिए. बस. Absolutely. एक और strong statement होता है, लोग कहते हैं कि यार ये TV का director है, ये TV का actor है, तो मैं इसको बड़े OTT shows पे नहीं cast करूँगा या फिल्मों में नहीं cast करूँगा क्योंकि TV सुनने में आता है, and it could be wrong. I'm not saying this for myself. कि टीवी फैक्ट्री है, यू नो फैक्ट्री में बनते हैं एपिसोड्स, 25 एपिसोड 30 एपिसोड महीने के, तो उनके पास वो फिनेस नहीं है फिल्में बनाने के लिए. एज अ डायरेक्टर ये सुनने में आता है, एंड इवन एज एन एक्टर दे फील टीवी का छाप है, फिल्मों में नहीं कास्ट करेंगे. अनिल सर आपको क्या कहना है? ये मैंने फेस किया है. आपने फेस किया है? ऑब्वियसली फेस किया है. मैं टीवी से ही फिर OTT में आया हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये बताने के लिए, बट मैं सीखा बहुत कुछ और आज भी मैं वहाँ पर, क्योंकि आज भी मैं जब जाता हूँ तो मैं कुछ लॉन्च करना होता है या टीवी का इनिशियल एपिसोड करना होता है या जैसे भी, मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम हमेशा उसको, क्योंकि सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कैसे सोचते हो. पर मैंने शरद इस पर तुम्हें क्या कहना है? मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग मिलते हैं, एक्चुअली मैं बहुत भरा हुआ हूँ इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं. बोलो नहीं यार, नहीं नहीं, हम उसके लिए तो अलग से एक सेगमेंट करेंगे भाई, बहुत लंबा सेगमेंट होगा क्योंकि आई एम श्योर सर भी जानते हैं कि कई बार हम लोग इवेंट्स पार्टीज़ में मिलते हैं तो कहते हैं ओ ही इज अ टीवी एक्टर. अरे एक मिनट बात बताओ, तुम्हें कौन सी एक्टिंग बताओ तो कि टीवी के अलग है, OTT के अलग है, फिल्म के अलग है? क्रिएटिविटी तो कहीं भी हम दिखा सकते हैं. आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा फैक्ट्री है, मिल है, वी आर चर्निंग आउट एपिसोड्स एवरी डे, वो तो हो रहा है बिकॉज डिमांड हुई है, आपको एपिसोड दिखाने हर रोज़,
उसमें सर मैं पूरी टीम हमें वी हैव टू वर्क डे एंड नाइट एंड आल्सो पीपल वांट टू वॉच दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग दैट्स व्हाई वी आर केटरिंग टू देम बट अगर आप चाहते हैं कि हम फिल्म करें ओटीटी करें चलो ठीक है समझ में आता है कि हम थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज एवरी डे आप मुझे देख रहे हैं वो समझ में आता है लेकिन आप टीवी के एक्टर हैं और ये ओटीटी नहीं कर सकते फिल्म नहीं कर सकते अरे तुम वो कौन बोलने वाले यार हु द हेल आर यू आई एम सॉरी टू से आपका आप कौन है जज करने वाले एक्टर एक्टर है डायरेक्टर डायरेक्टर है वी ऑल आर वर्किंग डे नाइट हम ग्राइंड कर रहे हैं यार सब मेहनत करते हैं आप भी कर रहे हैं बट आप जज नहीं आप मुझे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आप टीवी के एक्टर हैं अरे टीवी का एक्टर मतलब यार क्या है मतलब आप खड़े होइए मेरे साथ मोनोलॉग बोलिए मैं तो बोलता हूँ ओपनली आइए बोलिए मेरे साथ कार्तिक आर्यन ने एक मोनोलॉग बोला वो इतना फेमस हो गया है भैया हमारे टीवी के एक्टर दस मतलब डेली मोनोलॉग बोलते हैं हम लोग पाँच छः मिनट के दस मिनट के सो आई एम सेइंग दैट टू ईच इज ओन आप लेकिन आप ब्रैकेट में मत डालिए कि आप टीवी का एक्टर हैं हैव यू बीन लुक डाउन ऑन बिकॉज ऑफ दिस मे बी एट अ पार्टी या कोई फिल्म नोबडी नो नो फर्स्टली नोबडी हैज द गट्स टू लुक डाउन आई एम सॉरी बट पहली बात तो हाँ उड़ते उड़ते खबर आती है जैसे है कई बार आप पार्टी में हैं तो कई बार यू नो एक जैसे चाइनीज विस्पर्स होते हैं अरे टीवी का एक्टर आ गया टीवी का एक्टर है टीवी का एक्टर है अरे दैट्स मैं समझना चाहता हूँ टीवी का एक्टर क्या मतलब व्हाट आप वही टीवी शो देखते हैं आप उसी शो को लाइक करते हैं आपके घर में आपके आपके पेरेंट्स आपके पति आपके बच्चे वही शो देख रहे हैं मैं एक और कन्फेशन आपको बोलूंगा मैं जिंदगी बिता रहा हूँ इंटरव्यूज करके बाय गॉड्स ग्रेस नो नो बट ग्रेट ग्रेट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी रियल एंड ऑनेस्ट राइट आज जब मैं टीवी के सितारों को इंटरव्यू करता हूँ बाय गॉड्स ग्रेस इज सो लॉन्ग आई हेट यूजिंग दिस वर्ड ए लिस्टर्स ऑफ बॉलीवुड जिनको मैं स्टिल रिस्पेक्ट करता हूँ बट टीवी के एक्टर्स का व्यूज कभी कभार ए लिस्ट बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा आता है मेरे यूट्यूब पर सर बिकॉज पीपल का कनेक्ट विद टीवी एक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली कनेक्ट बहुत ज्यादा है जब मैं रेड कार्पेट्स करता हूँ कभी कभार मुझे बोला जाता है कि देखो तुम्हारा ये है कि तुम ए लिस्टर्स बॉलीवुड क्या करो तो मैं कह रहा हूं मेरा अगर दोस्त टीवी एक्टर आ रहा है तो मैं क्या करूं तो मुझे कभी कभार बोला जाता है आप फोन में देख लिया करो नीचे genuinely होता है where now when I'm called to host red carpets I openly say कि देखे जो आएगा मैं decide करूँगा तो I'm okay being relaxed because I'm doing decently well surviving by my own तो मुझे ये तक बोला जाता कि आप phone में देखा करो बाकी eye to eye contact now you know I understand but views ज़्यादा आते हैं obviously ना वो घर के hero हैं ये घर के hero हैं घर की heroine हैं देखिए TV का actor बहुत relatable है जी टीवी का एक्टर अगर ओटीटी करना चाहे फिल्म करना चाहे वो उसकी चॉइस है लेकिन अगर वो टीवी कर रहा है अपनी अपनी मर्जी अपनी खुशी से कर रहा है यू कांट लेबल हिम कि टीवी का एक्टर है यार हटाओ उसको साइड में करो नेक्स्ट किसी और को बुलाओ जो टीवी नहीं किया है उसने बहुत टाइम तक अरे क्यों यार बहुत टाइम तक नहीं किया तुम भूल जाओगे उसे मुझे किसी ने कहा भाई आप एक साल टीवी मत कीजिए आपको ओटीटी देता हूँ अरे तुम हो कौन बोलने वाले तुम मुझे एक साल बाद ओटीटी दोगे यार क्यों किस लिए समझ में आता है कि रिकॉल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपने कुछ टाइम के लिए आपने ब्रेक लिया बट आप साल दो साल तीन साल आप वेट कीजिए हम आपको ओटीटी देंगे फिल्म देंगे क्यों यार थोड़ा मेरी एक्टिंग एक दो साल बाद और ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी एक्टिंग तो आज मेरी जैसे वैसे ही रहेगी एक और टॉपिक जो चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पैसे काटे जा रहे हैं टीवी एक्टर्स के लोग कह रहे हैं 50% कम पैसे दिए जा रहे हैं टू बिग एक्टर्स नोन एक्टर्स रेट्स गिर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने छोटे रेट्स में कैसे करें प्रोडक्शन हाउसेस कह रहे हैं चैनल्स कह रहे हैं कि एडवर्टाइजर्स कम आ रहे हैं टीवी पर शरद और सर बताइए ये बातें जो चल रही है इज हैज दैट हैपेंड टू यू नहीं नहीं मेरे पैसे कभी नहीं कटे मैंने आपसे कहा है कि आई थिंक आई वर्कड विद सम अमेजिंग पीपल आई बीन वेरी लकी टचवुड कि मेरे आज तक मुझे जितने प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या पूरी टीम मिली है दे बीन वेरी वेरी लविंग एंड जो है सही बात है आई बीन वेरी लकी मेरे आज तक कभी भी कुछ पे कट कम कर दीजिए पैसे ज़्यादा कर दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मैंने बोला है ऑब्वियसली हर एक का बजट होता है पहले हम डिसाइड कर लेते हैं ऑब्वियसली बैठ के आर्टिस्ट की भी एक फीस होती है तो वो सब पहले सब डिस्कस हो जाता है ऐसे नहीं कि होने के बाद में सर 10% कम कर दो 20% कम कर दो बजट ऊपर नीचे हो गया है या पैसे नहीं आ रहे हैं ऐसा आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ है और हुआ भी था जब कोविड में जब पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई और जब वो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो जब वापस रीस्टार्ट होने ही जा रहा था तब सुनने में आया था मुझे भी कि ऐसा ऐसा हो रहा है बट अब अभी तो ऐसा कुछ नहीं बट लुकिंग एट दैट मुझे हमेशा विश्वास होता कि शरद का एक फिल्म पर्सोना भी है यू आर अ गुड लुकिंग गाय यू आर अ गुड एक्टर क्यों मैं तुम्हें बड़े पर्दे पर नहीं देख पाया अब तक
ये तो अब उनसे पूछे भैया जो कास्ट करना चाहते हैं, मैं अब क्या बताऊं। तो मैं मिलते तो, उन लोग से जाके नहीं, देखिए अब क्योंकि मैं इतने साल टीवी कर रहा था तो टाइम नहीं मिला, पर अभी मैं कुछ महीनों से आई हैव टेकन अ ब्रेक यू नो, बिकॉज मैं भी लोगों से मिलना चाह रहा हूँ, नए लोगों से यू नो। तो मैं आज भी, मुझे जब टीवी के इतने ऑफर्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज टीवी इज़ होम फॉर मी, ऑफ कोर्स टीवी इज़ ब्रेड बटर एंड जैम यू नो। लेकिन आज अब जैसे मैं सर से कई बार डिस्कस करता हूँ कि कुछ नए लोगों से मिल रहा हूँ यू नो, फिल्म पीपल, ओटीटी पीपल, और मैं कहता हूँ उनसे, मैं क्या टीवी एक्टर हूँ, और बहुत हक से कहता हूँ और खुश होकर कहता हूँ, यू वॉन्ट टू कास्ट मी, इफ़ आई फिट द रोल देन प्लीज़ लेट मी नो यू नो। बट ऐसा नहीं कि मैं थोप रहा हूँ कि मैं भैया मुझे ले लो, इफ आई एम फिटिंग द कैरेक्टर, आई फिट द बिल देन प्लीज़ कास्ट मी। बट ऐसा मत कहो कि आप टीवी एक्टर हो इसलिए भाई मैं तो कास्ट नहीं कर रहा हूँ, डोंट से दैट। आपने कितनों के साथ काम किया हुआ है? जैसे मैंने आपकी टीवी ग्राफी इतनी लंबी है, दो दिन निकल जाए, पर वो दो या तीन एक्टर्स जो आपने कहा है आज आज भी आप उन्हें याद करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू योर सेट्स एज एन एक्टर? सी साक्षी तन्वर, साक्षी तन्वर का मतलब जब हमने उसका ऑडिशन लिया था कास्टिंग से पहले, यस, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता थे उस समय, तो कास्ट हुआ और उसको ऑडिशन लेते थे तो हम लोग ही लेते थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है साक्षी तन्वर का, पहली बार हमने बालाजी में ही ऑडिशन लिया था, और साक्षी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, वो भी जनरल हार्ड वर्कर है, और आज सी तो साक्षी हो गए, जय भानुशाली जो ब्रांड नहीं था, कभी कुछ किया नहीं था, करण कुंद्रा एंड राजीव खंडेलवाल, तो इन सब काफ़ी बहुत सारे लोग साथ हैं, शब्बीर आलूवालिया। नास्टीएस्ट ट्रोल तुम्हारे ऊपर कौन सा रहा है? नास्टीएस्ट नहीं यार, इतना भी नास्टी नहीं रहा है आई थिंक एक ट्रोल जिसे मैं ट्रोल तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक वो टीवी एक्टर का जो टैग है वो आई थिंक मैं हटाना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग। हटाना मतलब इन द सेंस कि कुछ भी कहीं पे एक टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, ओटीटी एक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्टर एक्टर होता है, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कि यू नो देयर इज नो, सी देयर इज नो नथिंग नास्टी, ऐसा कुछ नास्टी ऐसे कुछ मिला नहीं मुझे। गुड बॉय हो यार। हाँ नहीं नहीं, गुड, इतना गुड बॉय भी नहीं हूँ, बट हाँ मतलब कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कहेंगे उनका काम है कहना, बट इट्स ओके, आई मीन पीपल आर नास्टी, आई गिव इट बैक टू देम, सो इट्स ओके। कपल गोल्स किनको देखकर आपको लगता है वाह, एक चुनिए तेजरन या फिर आलिया रणबीर फॉर यू शरद? आई थिंक आलिया रणबीर, आई पर्सनली आई थिंक रणबीर ऑल्सो, आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो, आलिया आई थिंक बोथ ऑफ देम द वे दे मैनेज द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइव्स, जो हमें दिखता है I think quite into each other, तो अच्छा लगता है, I think that's something. Also I think Vicky Kaushal and Katrina, I think they're quite, मतलब जो एक bonding दिखती है दोनों की, जब भी हम कोई you know interviews देखते हैं या pictures देखते हैं, I think it's quite nice. किसके videos आपके feed में लगातार आते रहते हैं पैप वाले, कौन है जो फटाक आप खोलते हो दिखते ही है? यार मैं hardly check करता हूँ यार अरे पैप videos तो दिन भर आते हैं भाई साहब कभी वो कुछ रबड़ बैंड, तो कभी ग्लास, तो कभी पता नहीं क्या क्या पहन के, वो भी हंस रहे हैं बेचारे कैमरामैन हमारे, मतलब ऐसा है कि वो, शी इज वेरी क्रिएटिव यार, भाई कमाल कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव एक्सट्रीमली, जहाँ से आई एम श्योर बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, तो उनको कुछ परवाह ही नहीं किसी की यार, वो जो अपना उनका जो मन में आता है वो पहनती है, एंड शी इज आउट देयर फॉर यू। तो मैंने किसी बहुत बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, वो जेन्युइनली रोस्टर है, तो उनको पूछा उर्फी के बारे में, उन्होंने कुछ कमेंट डाल दिया, मैंने एक स्टोर ये रील वील डाल दिया, उर्फी ने उसका भी रिप्लाई दे दिया, वो बहुत फेयरलेस है। यस यस यस, और मैं दिल से बोल, लखनऊ की लड़की है भाई, कॉन्फिडेंट से काम, ओ आना लवर, हां हां भाई, इमेजिन जो कर रही है, जो डिजाइनर बहुत गट्स चाहिए, खुद बनाती है, वो उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, गट्स चाहिए, और सामने आना जी। और मैं बताऊं, पहली बार तो हमें लगता था ये क्या पहन लिया यार, लेकिन अब जब आता है ना तो हमें लगता है अरे वाह यार, मतलब ये नहीं नहीं, और पब्लिकली आती है, ऐसा नहीं कि अपने कमरे से कर दी जी, पब्लिकली आती है उस फैशन के साथ, लाइक बिगनिंग में लगता था क्या कर रही है, मतलब यू नो इट्स समझ नहीं आता, लेकिन अब हम जब देखते हैं एवरीडे इट्स समथिंग न्यू, अब वेट करते हैं अब क्या पहनेगी, नहीं अब नया कुछ आने वाला है, तो गुड यार, मतलब तो ये कट पक्का बनाऊंगा, उनको टैग करूंगा, रिप्लाई तो पक्का देती है वो, अच्छा देती है क्या, अच्छा से मुझे नहीं पता, बकायदा देती है। ओके ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से रश्मि देसाई?
रात्रि के यात्री उसका हिस्सा है और आई एम डेफिनेटली आई थिंक बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक फन लविंग गर्ल फुल ऑफ लाइफ. मैं उनसे परसों ही हम साथ में थे, हम पूरी कास्ट मिली थी ऐसी जो जो लोग थे एंड आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई थिंक शी इज कम्प्लीटली मतलब वो जैसी मतलब हैं वैसे ही हैं, मतलब देयर इज नो प्रिटेंस एज सच, मतलब हंसती खेलती रहेगी, मतलब फुल ऑफ लाइफ, फुल एनर्जी एब्सोल्युटली, मतलब वाइब इज टोटली. मैं हालांकि पहली या दूसरी मिला हूँ उससे, लेकिन ग्रेट एनर्जी. शहनाज गिल, आई एम सॉरी आई हैव नॉट मेट हर, बट व्हाटएवर यू कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस सॉर्टेड, हैज कम अप द हार्ड वे एंड वेरी लविंग गर्ल. आई थिंक वो जब भी मैं उनको कभी कभार देखता हूँ जो पैप वाले वीडियोज में, यू नो शी इज वेरी हैप्पीली गिविंग सेल्फीज एंड कभी उनके एयरपोर्ट पे कभी यहाँ पे वहाँ पे, एंड शी इज गिविंग अ लॉट ऑफ लव व्हिच इज नाइस. बहुत पॉजिटिव है और बहुत विटी भी है सर जी. अच्छा ओके. अरे रे बात करेंगे तो फटाक मजे लेती है, माने जवाब देती है सब चीज. ओके. करण कुंद्रा, अब आई थिंक बेटर. हां बोलिए बोलिए. मैं तो जानता नहीं उसको इतना. हाँ नहीं, बहुत लवेबल है, बहुत अपने काम से प्यार करता है और मैं तो पहले दिन से उसे जानता हूँ अच्छे से और अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देता है और आजकल वो काफी खुश है अपने लव लाइफ को. अभी तो आई थिंक वो तेज रन. अच्छा हां तेज रन. यस यस करेक्ट करेक्ट. तो आजकल आई थिंक बहुत ज्यादा चर्चा में है वो. आई एम वेरी हैप्पी. वेरी गुड. जो दो लोग प्यार में हो तो दिखता है वो. यस यस खुशी दिखती है. एंड ऑफ कोर्स दैट द ब्यूटी इज दैट दे आर एंजॉयिंग इट आल्सो सो मच. यस 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 ऑल आउट देयर एब्सोल्युटली. ऑब्वियसली वो दिखता है, उन दोनों को दिखता है, दोनों पे छोड़ता है. सधारिया, ऑब्वियसली सी इज माइंड ब्लोइंग. एंड जो मैंने अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा के साथ अभी जस्ट अभी मैं 5 साल बाद उस शो पे गया था जब शक्ति उस, तो मैं 5 साल के बाद मैं जब मिला तो वही लव, वही प्यार, वही पैशन और जो उसके सेट पे जो उसका जो ऑरा है, जो उसके आने के बाद जो एनर्जेटिक होती है और जो काम को और एक्शन बोलने के बाद जो उसका चेंज ओवर होता है, कंप्लीट डिफरेंट होता है. मतलब रियल लाइफ और एक्शन के बाद डिफरेंट. तो मैं तो उसके साथ काफी कर चुका हूं और मैं बहुत एंजॉय भी किया उसके साथ. थैंक यू सो मच अनिल जी. थैंक यू. आई रियली विश आपका ये जो सीजन 2 जो आ रहा है, पहले सीजन का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था और मैं इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आए. बट आई एम सॉरी, बट मैं कहना चाहता हूं सिद्ध के जितने फैंस हैं प्लीज सिद्ध यू हैव टू टेल देम. सिद्ध के बहुत ज्यादा फैंस हैं. बहुत फैंस हैं, आई एम टेलिंग यू. प्लीज वॉच इट एंड जेन्युइनली बताओ. इन्होंने मुझे थोड़े स्टोरी लाइंस बताए थे बिफोर वी डिड दिस इंटरव्यू, बट ऑब्वियसली आई कांट टॉक अबाउट इट. बट जेन्युइनली बोल रहा हूं, ग्रिपिंग स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स ये लोग बाहर से आके अपना वजूद एस्टैब्लिश कर रहे इंडस्ट्री में. यू नीड टू बैक देम अप. इनको नहीं सपोर्ट करोगे तो किसको करोगे बाबा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. रात्रि के यात्री ऑन हंगामा प्ले. लॉट्स ऑफ लव.